दोस्तों, सीआईडी के मशहूर इंस्पेक्टर दया को होने वाली है फांसी। दया ने ऐसा क्या कर लिया है कि दया को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी है फांसी की सजा, और इंस्पेक्टर दया को 15 दिनों के बाद होने वाली है फांसी की सजा। ऐसे ही एक एपिसोड आपको आने वाले सीजन यानी कि सीआईडी के सीजन 2 में देखने को मिलेगी, जहाँ पे क्या सीआईडी की टीम इंस्पेक्टर दया को फांसी से बचा पाएगी, क्या किया है इंस्पेक्टर दया ने जो उनको फांसी की सजा मिल रही है, या फिर इंस्पेक्टर दया को सिर्फ फंसाया जा रहा है एक झूठे केस में, कौन है इन सब के पीछे, सब कुछ जो राज है आज उसके ऊपर मैं पर्दा उठाऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है नीचे, उसे दबा के ऑल सेलेक्ट कर ले, ताकि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर दया को जो फांसी की सजा हुई है उनको बहुत ही जल्द एक ऐसे एपिसोड में दिखाया जाएगा जहाँ पे एक झूठे कत्ल के केस में फंसा दिया जाता है। वहाँ पे इंस्पेक्टर दया को जो है कोर्ट जो है सारे सबूत उनके खिलाफ होने के कारण उनको फांसी की सजा सुनाती है, लेकिन सीआईडी की टीम जो है ये कभी नहीं होने देगी। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, सीआईडी के जो इंस्पेक्टर दया है वो सीआईडी के हीरो है, तो ऐसे ही उनको फांसी कभी भी नहीं हो सकती है। तो इसलिए सीआईडी की टीम जो है वो कड़ी मेहनत करती है, सारी जगहों से सबूत जो है वो असली सबूत जो है उनको जुटाती है, और ये फांसी की सजा को रद्द करवा देती है। तो इसके बीच क्या होता है, किसने फंसाया है इंस्पेक्टर दया को, जब उसको ये पता चलेगा कि इंस्पेक्टर दया को फांसी की सजा नहीं हो रही है, तो उसका अगला एक्शन क्या होगा, क्या सीआईडी की टीम जो असली गुनाहगार है उसको पकड़ पाएगी या नहीं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इस आने वाले नए एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी एक्साइटेड हैं इस नए एपिसोड को देखने के लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सीआईडी लिखकर इस वीडियो को सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग जल्द से जल्द सीआईडी के सीजन 2 को वापस ला पाए हम सबके घर पर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।